हराम। क्या हुई है यार, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, एक अजीब सा साउंड आ रहा है यहाँ से। Hey, what is up everyone? This is your dost, the solo explorer. और आज है lockdown का day 53 and it's been you know 30-35 days that I haven't started my vehicle yet. तो मैंने सोचा कि एक short spin मार के आते हैं और petrol भी भरवा लेंगे, क्योंकि petrol भी नहीं है अभी। हराम, क्या हुई है यार, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, एक अजीब सा साउंड आ रहा है यहाँ से, शायद तुम लोग सुन सकते हो, ये बार बार रीसेट हो रहा है, ये एक खट खट करके आवाज आ रहा है, शायद यहाँ से यही कहीं से आवाज आ रहा है। सुन सकते हो शायद तुम लोग, स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, इतने दिन ऐसे ही घर में पड़ा हुआ था इसलिए बैटरी पूरा गया है, तो इसको धक्का मार के ही स्टार्ट करना पड़ेगा। धक्का मारने का एक सही तरीका है, वो मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर तुम लोग ऐसे कई सिचुएशंस फेस करते हो जहाँ पे तुम्हारा बैटरी पूरा गया है और उस वक्त कैसे स्टार्ट करोगे, सही तरीका कैसा है, क्योंकि ये बाइक बहुत ही भारी है, 182 kg रॉ वेट है इसका विदाउट पेट्रोल, तो इतना वेटी व्हीकल्स को धक्का मार के कैसे स्टार्ट करना है, वही मैं तुम लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो अकेले तो धक्का नहीं मार सकते, तो इसलिए मेरा एक भाई को बुलाना पड़ेगा। चलो 5 minutes later। हाँ, गाड़ी बंद हो गया, इतना दिन घर में था ना इसलिए पूरा बंद हो गया गाड़ी, तो शायद धक्का देना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़, क्योंकि ये बहुत भारी है ना, तुमको कंस्टेंटली वो धक्का देना पड़ेगा, और मैं फर्स्ट गियर में रखूंगा गाड़ी, उसके बाद ठीक है, उसके बाद झट से क्लच को छोड़ दूंगा, शायद स्टार्ट हो भी जाए, चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा लेके जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये वाला रोड उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पर लेके जाते हैं, उसके बाद चालू करेंगे, ठीक है। चलो, इतना दिन इसने मुझे लेकर गया, आज इसको लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है, बाइक के लिए कुछ भी करना तो पड़ेगा ही। ये जगह अच्छा मिल गया, देखो यहाँ पे रोड का स्ट्रेच भी अच्छा है, और यहाँ पे शायद हो जाएगा। हाँ, चलो देखते हैं, चलो बैठते हैं। तो इसको क्या करना है, जो चीज़ मैं बोल रहा था तुम लोगों को, तो इसको क्या करना है, तुमको कॉन्स्टेंटली जो तुमको धक्का देने वाला है ना, तो अकेले नहीं कर सकते हो, तुमको दो बंदे चाहिए होंगे, तो अकेले नहीं कर सकते हो तुम लोग, तो इसको कॉन्स्टेंटली धक्का देना पड़ेगा, और जब इसका स्पीड कहीं 14 या 15 में पहुंच जाए, तो अचानक से झट से पूरा क्लच को रिलीज करना है, पूरा मतलब कि धीरे से नहीं छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको ऐसे छोड़ना है, और फटाक से स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये हो रहा है 11, 12, 13। यार स्टार्ट हो गया फाइनली यार, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना तुमने मदद किया, चलो छोटा सा एक स्पिन मार के आते हैं, चलो बैठ जाओ तुम भी यार, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाड़ी चालू हो चुका है, ओके थोड़ा सा घूम के आते हैं, वरना बैटरी पूरा बैठ जाएगा। यार कितने दिनों बाद ये गाड़ी चालू हो चुका है, तो इतना खुशी हो रहा है मुझे कि मैं बोल नहीं सकता तुम लोगों को। चलो यार, वैसे तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग गाड़ी को, पिछला बार भी किया था, मतलब कि पिछला साल एक बार हुआ था, सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, इसलिए ऐसे ही स्टार्ट किया था तभी भी, तो वही बोलना था तुम लोगों को कैसे डोमिनार को धक्का देके स्टार्ट करना है, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। चलो यार, मैं तो चला एक शॉर्ट स्पिन के लिए, तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।